सभी लाइव आ जाइए जल्दी जल्दी, और जैसे ही आते हैं तो लाइव लिंक शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप में भी ये सेशन का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम में। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 ईयर्स एंड मेंटोर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव ऑल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्लास है जो भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, तो सारा क्लास मिल जाएगा। प्लस हर टीचर आपको टाइम भी देते हैं कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर लें। अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स एज पर एग्जाम जो भी सिलेबस है वो तो पढ़ते हैं, हर टीचर जो पढ़ाता है उसके अलावा उसके साथ उसको एमसीक्यू के रूप में भी उस क्वेश्चन को करवाते हैं कि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं कि एक ओवरऑल व्यू हो जाए कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, कहाँ से आता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रेगुलर बेसिस पे आप लाइव टेस्ट और क्विजेज देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगर सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे तो मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाता है। तो सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखे हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। फ़ायदा क्या होता है टेस्ट देने से कि एक तो आपने जो पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ रखा तो आपको कितना आता है ये पता चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एग्ज़ाम किस लेवल का आता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आपका खुद का असेसमेंट करना कि हाँ मैं कितना जानता हूँ, एक्चुअली में कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, जो भी क्लास आप लेते हैं अगर मिस भी कर चुके तो उसको भी आप एक्सेस कर पाते हैं, जो रनिंग क्लास है इन फ्यूचर में उसमें प्रॉब्लम है तो भी आप उसको एक्सेस कर। तो अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है किसी भी क्लास को, किसी भी सेशन को, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चाहे आप सेलफोन से, लैपटॉप से, कुछ से भी देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे वो भी शेयर किए जाएंगे। और सभी सब्सक्रिप्शन प्लान जरूर ले लीजिए जो डिफरेंट मंथ के ऑप्शन में अवेलेबल है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ। मैं हमेशा यही कहूँगा कि 12 या 24 मंथ के प्लान को आप ले। फ़ायदा ये है कि जब आप 12 या 24 मंथ के प्लान को लेते हैं तो एक तो ये सबसे इकोनॉमिकल है 24 मंथ का, जो आप कंपेरिजन करेंगे ये पता चले। ऐसे समझिए कि आप 6,000 पे करते हैं 12 महीने के लिए, सिर्फ एक मंथ का फी इसमें और ऐड कर देंगे तो एक मंथ में आपको 1 साल का मिल जाता है। तो ये सबसे प्रूडेंट डिसीजन होगा। और एग्ज़ाम रिजल्ट देने में भी आपको 1 साल से 2 साल का समय लग जाता है। तो आपके पास वैसा ही प्लान हो क्योंकि आपके पास अपडेटेड मटेरियल होना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। हर सब्जेक्ट टीचर आपको अपडेटेड मटेरियल देता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपके लिए 12 या 24 मंथ ही सुटेबल होगा। जब एक मंथ के फी देने से अगर 1 साल का मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही रिजल्ट होना चाहिए। तो आप यही प्लान पे काम करिए तो ज़्यादा बेटर है। आपको PDF कंटेंट मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर्स की क्लास मिल जाएंगे, इसको भी साक्षी गुड मॉर्निंग, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बाबू इतना अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर बच्चे को डेली बेसिस पे देना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नहीं पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब नहीं, आप डेली बेसिस पे दीजिए। इसका फ़ायदा क्या है, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसका लेवल पता चलेगा एग्जाम में किस लेवल का आ रहा है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप किस एरिया में नहीं करें ये आपको उससे आइडिया लग जाता है। प्लस एक और फ़ायदा है, 6, 12, 24 मंथ का अगर आप लेते हैं प्लान तो नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। इस रेफरेंस कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो जो ये जो 6,000 का कोर्स है वो घट करके 10% का डिस्काउंट मिला तो 5,400 पे हो जाएगा। 7,200 कोर्स, 6,480, मतलब किसी भी मंथ के साथ आप ये कोड यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे बैंक का कर रहे हैं, SSC, UPSC, UGC, गेट, IIT, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ, कोई भी एग्जाम, CDS वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस 10% का आप यूज़ कर सकते हैं। ये रेफरेंस कोड डालिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये डेली बेसिस पे जो भी आप सेशन ले रहे हैं, चैनल का नाम है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। बैंक पे 7 PM पे होता है, अनअकैडमी स्पेशल क्लास 4 PM डेली होता है। और अभी एक मैंने नया सेशन भी शुरू किया आप लोगों के लिए 7:15 पे, तो ये भी आपको अनअकैडमी ऐप पे ही अवेलेबल होगा। ये तो लीजिए ही, प्लस ये भी लीजिए डेली बेसिस पे 7:15 पे। तो आज के लिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए साक्षी। विच स्टेट हैज वॉन द अवार्ड ऑफ क्लीननेस स्टेट विथ मोर देन 100 सिटीज इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अवार्ड। ए छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी मध्य प्रदेश।
बिल्कुल साक्षी का आंसर छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द पर्सन हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्विटोरियल गुनिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का आंसर बताइए साक्षी जी। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड का आंसर हो जाएगा डी, फ्रांसिस्को एसयू। तीसरा है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग हैज साइंड अ वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विथ बिजनेस डैश टू एक्सपेंड द कल्चर ऑफ इनोवेशन इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग हैज साइंड अ वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विथ बिजनेस टू एक्सपेंड द कल्चर ऑफ इनोवेशन इन द कंट्री। तीसरा का नहीं मालूम है कोई बात नहीं है, आइडिया लिखिएगा स्वीडन। अब आइडिया लग गया, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना AIM, ठीक है? जो भी योजना है उसके फुल फॉर्म जरूर एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द बुंदेलखंड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ए फ्रांस, बी इजराइल, सी रशिया और डी डेनमार्क। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ध्यान रखना वाटर मैनेजमेंट में दुनिया में सबसे एडवांस कंट्री है इजराइल, बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च टू टेरिटरी प्रोसेसिंग सेंटर फॉर द ट्राइफोर प्रोजेक्ट ऑफ ट्राइफर। द टू यूनिट्स हैव बीन लॉन्च इन विच सिटीज। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ए रायगढ़ एंड जगदलपुर। तो ये भी याद रखना, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, ठीक है? गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, चेस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन who passed away recently was associated with which sports? A football, B cricket, C hockey or D chess? मिश्रा जी का आंसर आ गया B, बिल्कुल क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। क्वेश्चन नंबर सेवन, द इंटरनेशनल डे, बताइए। अब डेट वाला क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार आप लोगों को बता दिया है, क्वेश्चन नंबर सेवन। साक्षी का आंसर बिल्कुल सही, 22 अगस्त। द ऑफिशियल लोगो ऑफ लेबर ब्यूरो वॉज लॉन्च रिसेंटली, हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? ए हरदीप सिंह पुरी, बी हरदीप सिंह पुरी, सी अर्जुन मुंडा और डी संतोष गंगवार। तो ये गलती से नाम बार बार लिख दिया गया भाई। आठवां का आंसर क्या हो जाएगा? अंजलि का भी सेवन कर दिया, बिल्कुल सही है। आठवां का क्या हो गया? डी संतोष गंगवार, अंजलि का आंसर सही है। डॉक्टर कीथी रौले
has recently been sworn in as the Prime Minister of which country for the second consecutive years? Mexico, Ivory Coast, Trinidad and Tobago, or Dominican Republic? Question number 9. एक बार सभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और सेशन जब ज्वाइन करते हैं ना तो शेयर कर दीजिए, कि आप लोग अपने फ्रेंड वगैरह को भी जोड़ना शुरू कर दीजिए, और 4 PM का सेशन जरूर किया कीजिए मिश्रा जी। और साक्षी, आज आप फ्री हैं कि आज भी क्लास है आपका? तो मिश्रा जी का 9th का आ रहा है बी, साक्षी का 9th का डी आंसर होगा सी, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। Name the capital city of Equatorial Guinea. Question number 10th. Name the capital city of Equatorial Guinea. जो भी कंट्री है सबके राजधानी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। Name the capital city of Equatorial Guinea. A. Malabo, B. Kinshasa, C. Quito और D. Bogota. क्वेश्चन नंबर 10th, अंजलि जी का 10th का आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल मलाबो इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 4 बजे आप लोगों को आना है, अच्छा क्लास है आज, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो? ग्यारहवा बताओ। अंजलि, आप करती हैं क्या 4 PM वाला क्लास? 11 का अंजलि का आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही है, पोर्ट ऑफ स्पेन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द प्रपोजल टू सेट अप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रिसेंटली, द NRA विल बी रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट? क्वेश्चन नंबर 12, साक्षी का भी 11 का भी है, 12वां का बता दो आप लोग, याद रखना बी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। 13th, नई उड़ान इज द स्कीम लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? 12 का हो जाएगा बी, ठीक है 13th बताओ, नई उड़ान इज द स्कीम लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। थर्टींथ का आंसर आ रहा है साक्षी का डी, बिल्कुल सही है, माइनॉरिटी अफेयर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14th, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स रिलीज बाय सर्वसार? क्वेश्चन नंबर 14th, मिश्रा जी का आंसर है 13th का डी, 14th का क्या हो जाएगा, स्नेहा का आ रहा है 57, ठीक है तो स्नेहा जी का आंसर सही है, 14th का होगा 57 ही। इन अकॉर्डेंस विद सेकेंड एडिशन of Global Research Digital Quality of Life Index 2020 released by Online Privacy Solution Provider SoftSAR, India ranked 57 out of 85 countries. Question number 15, name the country which has unveiled a surface-to-surface ballistic missile Mortier Qasem Soleimani. Acha. कोई बात नहीं है, तो डैन जी आप भी 4 PM का सेशन कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, बस आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके, ठीक है,
4 PM का सेशन पे लाइव हो जाना है। प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा, ठीक है, ये कंप्लीट आपका करंट अफेयर करवा देगा। तो ये सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिए, 4 PM। क्वेश्चन नंबर 15 का साक्षी का ए आ रहा है, अंजलि का ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, ईरान, ठीक है। ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज इनॉग्रेटेड अ लोकली मेड सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल कॉल्ड मटियार कासिम सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 16, विच हॉकी प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, रानी रामपाल आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, रानी रामपाल इज द करेक्ट आंसर, स्नेहांशु जी। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज अवॉर्डेड द्रोणाचार्य अवार्ड। तो स्नेहांशु जी आप भी 4 PM का सेशन जरूर अटेंड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, बस अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके आपको प्रभास कुमार के नाम से जीए सर्च कीजिएगा, इसमें सारा कुछ हो जाएगा, एक तो स्टैटिक भी हो जाएगा, प्रीवियस मंथ के वीकली करंट अफेयर भी हो जाएंगे मंथली, प्लस आपको जैन से लेकर अगस्त तक का डेली सेट बन के आता है, तो वो भी आप कीजिएगा, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया बच्चों, अंजलि का 16 का सी है, ठीक है, साक्षी का भी 16 का सी है, बिल्कुल ठीक है। सत्रह का बता दो, अंजलि का सेस ए आ रहा है, आंसर होगा डी, धर्मेंद्र तिवारी। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट विल बी द फर्स्ट वन इन इंडिया टू ऑफर गवर्नमेंट जॉब बेस्ड ऑन सीटी स्कोर। एटींथ बनाइए, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। 19th, India's first air bubble in South Asia will be established with which nation? साक्षी का 18 का सी, अंजलि का 18 का बी, ठीक है, 18 का बी इज द करेक्ट आंसर। 19th बनाइए जरा, तो स्नेहांशु जी का आंसर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, 19th बनाइए अब आप लोग, बिल्कुल मालदीव इज द करेक्ट आंसर। और डेली बेसिस पे ये करंट अफेयर का शो कीजिए, ठीक है, आपको प्रीवियस में जो भी आपने पढ़ा है, मतलब लास्ट डेट में जो भी करंट अफेयर आपने पेपर में पढ़ा है, वहाँ पे आपको टेस्ट हो जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो याद है या भूल गए, तो MCQ ही आता है एग्जाम में, उसको मैं MCQ में कन्वर्ट करके आप लोगों को करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो गया, साक्षी का 20 का सी है, अंजलि का 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, साक्षी का बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन सिंह, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आप लोग ये सेशन कीजिए और एक बार सेशन को सभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था, सेशन पसंद आए तो बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, और जब भी आप लोग पेड बैच ज्वाइन करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इस कोड का यूज कीजिए, PRABHASS जो मेरा नाम है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इससे फायदा ये होगा जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उन सभी के नोटिफिकेशन आपको तो जाएगा ही, साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी आपको जाएगा, ठीक है। तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए और अनअकैडमी का ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, और 4 PM का सेशन मस्ट डू वाला सेशन है, इसको जरूर कीजिए, 4 PM, ठीक है। अभी ऐसे एक सेम मैंने ले आया 7:15 पे, तो ये भी सेशन जरूर कीजिए आपको। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। हाँ बिल्कुल साक्षी, 7:15 पे भी होगा सेशन,
उसको भी आप लोग अटेंड कीजिए, ठीक है। एक और सेशन में करने जा रहा हूँ, तो वो 3 हो जाएंगे टोटल स्पेशल सेशन, ये आप लोग का कुछ भी मिस ही ना हो। थैंक्स एवरीवन। 4 PM का सेशन, चलिए अब मिलते हैं 4 PM पे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।